फ्रेंड्स, मैं जयन पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स लेसन 2 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो टेबुलेशन में हमने सीखा है, हमने क्वेश्चन 1, 2 कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो मैंने प्राइमरी एक्सप्लेनेशन का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन 4 पे चला जाता हूँ। फ्रेंड्स, ये टेबुलेशन में मैंने आपको बताया था कि हम जो एग्जाम्पल है वो 2 या 3 टाइम्स रीड करेंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट। फर्स्ट टाइम हम रीड करके सिर्फ और सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, और कुछ भी डेटा आते हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आते हैं तो उसको हम फर्स्ट रीडिंग में इग्नोर करेंगे, राइट। और सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में हम उसके जो न्यूमरिकल वैल्यू होती है या तो उसको जो प्लॉट करना होता है उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। आप भी बुक में ध्यान रखिए और रीड करिए। देखिए, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पढ़ के हमको मालूम पड़ता है कि ये फैक्ट्री में वर्किंग वुमन की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हमको एट्रीब्यूट्स में मेल या मैन वर्किंग पर्सनल की बात इसमें नहीं कही गई है। तो आप ये ध्यान रखना कि चलो वुमन आया तो हम उसमें जेंडर का एट्रीब्यूट्स हम लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस में ही हमको बताते हैं 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मीन्स ये फैक्ट्री में वुमन वर्किंग करती है और उसकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दी गई है। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। 549 वेयर रेसिडिंग इन अ लेबर एरिया। देखिए, इसमें से 549 वुमेन जो है वो लेबर एरिया में रहती है, मतलब बाकी की वुमन कहाँ पर रहती होगी, जहाँ लेबर एरिया नहीं है ऐसे एरिया में, मतलब इन अदर एरिया। देखिए, फर्स्ट एट्रीब्यूट आया, चलो अपन लिख देते हैं, यहाँ पर टाइटल लिखेंगे एट्रीब्यूट्स। जैसे जैसे एट्रीब्यूट्स आते जाते हैं हम लिखते जाएंगे एट्रीब्यूट्स, राइट। ये फर्स्ट एट्रीब्यूट आया, कौन सा है फर्स्ट एट्रीब्यूट, एरिया ऑफ रेसिडेंट, एरिया ऑफ रेसिडेंट, एरिया ऑफ रेसिडेंट। अब इसमें हमको क्या कहा गया है, लेबर एरिया, लेबर एरिया, एंड जो बाकी का जो एरिया है उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, अदर एरिया, राइट। क्लियर फ्रेंड, ऐसे हम लिख देंगे ताकि हमको उसके जो टेबुलेशन में है उसके जो वैल्यू है वो लिखने में हमको आसान रहेगा। अब देखिए, राइट, हमको फर्स्ट एट्रीब्यूट मिल गया, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन, मतलब जितनी मैरिड वुमन है उसमें से, जितनी मैरिड वुमन है उसमें से, मतलब कुछ वुमन ऐसी भी होगी जो अनमैरिड होगी, राइट। तो अब दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट्स आया, मैरिटल स्टेटस, चलो लिख देते हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में मैरिड एंड अनमैरिड, अनमैरिड, दो स्टेटस आया, राइट, ओके। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। देखिए, मैं फिर से रीड करता हूँ, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया 250 हैड एक्सपीरियंस एंड 93 वेयर इन एक्सपीरियंस। अब देखिए, तीसरा एट्रीब्यूट्स आया, कौन सा एट्रीब्यूट्स आया,
एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस, राइट। मतलब उसमें उसमें जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस है, उसके बारे में आया। मतलब अब तीसरा एट्रीब्यूट एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस। एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस में या तो एक्सपीरियंस होगा, राइट, एक्सपीरियंस लेबर, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस्ड, और इनएक्सपीरियंस, राइट। हम फिर से रीड करते हैं। देखिए, हम जब भी हम ऐसे एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो फिर से हमको रीड करना चाहिए। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया, मीन्स ये जो वुमन है मैरिड एंड अनमैरिड है, उसमें से कुछ एक्सपीरियंस वाली है और कुछ इनएक्सपीरियंस वाली है। मतलब इसमें भी एट्रीब्यूट के दो पार्ट पड़ेंगे, मैरिड वुमन में एक्सपीरियंस, मैरिड वुमन में एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस, राइट, अनमैरिड में भी एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फ्रेंड्स, इनएक्सपीरियंस, राइट, ओके। ऐसा हमको लिख देना है ताकि हमको टेबल बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमन वेयर अदर एरिया ऑफ 87,400 रिस्पेक्टिवली। कुछ भी नहीं देखना है, इसमें से कुछ नया आता है कि नहीं आता है, बस वही देखना है हमको, राइट, ओके। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन, आ गया इनएक्सपीरियंस वुमन का वुमन, वेयर दिस एंड आउट ऑफ देम 136 फ्रॉम लेबर एरिया, लेबर एरिया भी आ गया है, राइट। अब हमको आगे नहीं देखना है। आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेयर अनमैरिड, अनमैरिड भी आ गया है। एमोंग देम द नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस भी आ गया है, राइट। वुमन वेयर फ्रॉम लेबर एरिया, लेबर एरिया भी आ गया है। एंड फ्रॉम अदर एरिया, देखिए अदर एरिया भी आ गया है, राइट, 163 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन टेब्यूलेशन फॉर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको टेबल ड्रॉ कर देना है और उसके बाद हम रीड करेंगे कि उसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अब देखिए, अब टेबल का हमेशा टाइटल लिखना कंपलसरी है। टाइटल नहीं लिखते हो तो एक मार्क कट हो सकते हैं। अब देखिए क्या टाइटल लिखेंगे, ये टेबल किसका है, वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, राइट। तो हम लिखेंगे टेबल शोइंग द वुमन वर्किंग इन ए फैक्ट्री, राइट। कौन कौन से एट्रीब्यूट हम कवर करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट कवर करते हैं, एरिया ऑफ रेसिडेंट, मैरिटल स्टेटस एंड एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस। बस यही लिखना है हमको, जो एट्रीब्यूट्स कवर करते हैं उसके बारे में लिखना है। मतलब टेबल, मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेबल showing, table showing the woman working in a working in a factory, according to their area of resident, according to their, according to their area of resident, फिर उसके बाद marital status, marital status and experience of service, and experience of service, right? अब देखिए इसका table हम draw कैसे करते हैं। यहाँ पर हम area of resident ले लेते हैं, right? क्योंकि उसमें दो part पड़ते हैं, right? यहाँ पर लिख देते हैं area of resident,
एरिया ऑफ रेसिडेंट, राइट फ्रेंड। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में दो भाग पढ़ेंगे, मैरिड एंड अनमैरिड मैरिटल स्टेटस, मैरिटल। अब तो आपको आ गया है कैसे ड्रॉ करना है। मैरिटल स्टेटस में दो पार्ट पढ़ेंगे, मैरिड एंड अनमैरिड मैरिड एंड अनमैरिड। उसमें भी पार्ट पढ़ेंगे, क्या पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पार्ट पढ़ेंगे एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड एंड इन एक्सपीरियंस्ड। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड एंड इन एक्सपीरियंस्ड, इन एक्सपीरियंस्ड। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको फुल लिखना है, राइट ओके। ये देखिए टेबल ऐसा ड्रॉ करना है विथ स्केल। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल आएगा। आप सबको अब तो मालूम है कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड, राइट। और उसके बाद टोटल, अब कौन सा एट्रीब्यूट बच गया, राइट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट रह गया वो लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेसिडेंट, एरिया ऑफ रेसिडेंट, एरिया ऑफ रेसिडेंट में लेबर एरिया, लेबर एरिया एंड अदर एरिया, राइट ओके। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देखिए, हर एक का टोटल होना चाहिए। ये लेबर एरिया का टोटल हमको यहाँ पर मिलेगा, एक्सपीरियंस प्लस इन एक्सपीरियंस का टोटल इधर आएगा, मतलब मैरिड का टोटल इधर आएगा, अनमैरिड का टोटल, अनमैरिड एक्सपीरियंस अनमैरिड इन एक्सपीरियंस का टोटल इधर आएगा, मतलब ये टोटल प्लस ये टोटल उसका टोटल हमको यहाँ पर मिलेगा, राइट। मतलब मैरिड का टोटल जो होगा वो इधर मिलेगा, अनमैरिड का टोटल इधर मिलेगा, राइट। अब हमारा एट्रीब्यूट्स क्या रहेगा, एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस, राइट। तो उसका यहाँ पर हम दो पार्ट करेंगे, ये टोटल होगा, हर एक का टोटल इधर आएगा, आपको मालूम है। इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, तीन पार्ट पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस एंड लास्ट में टोटल। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सपीरियंस्ड, शॉर्ट में लिखता हूँ फ्रेंड्स, इन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सपीरियंस एंड लास्ट में टोटल, राइट फ्रेंड्स। ऐसे हमारा टेबल पूरा कंप्लीट होगा। ऐसे हमारा टेबल पूरा कंप्लीट होगा और यहाँ पर लास्ट में भी हमको टोटल लिखना है, यहाँ पर लास्ट में भी हमको, यहाँ पर लास्ट में भी हमको टोटल लिखना है फ्रेंड्स, टोटल, राइट। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। जब टेबल कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम एग्जांपल सेकेंड टाइम रीड करते हैं और उसमें जो भी वैल्यू आती है वो हम पुट ऑन करेंगे, राइट। अब देखिए मैं फिर से रीड करता हूँ, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मतलब टोटल फैक्ट्री में कितनी वुमन वर्क करती है, 1850। तो ये क्या हुआ, ये मैरिड हो, मैरिड वुमन, रेसिडेंशियल एरिया, एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस, सबको मिला के टोटल कितनी वुमन है, 1850, मतलब ये ग्रांड टोटल हुआ, राइट, इन अ फैक्ट्री, ओके। 549 वेर रिसाइडिंग इन लेबर एरिया, मतलब लेबर एरिया में टोटल वुमन कितनी रहती है, 549। तो ये लेबर एरिया का टोटल कहाँ पर आएगा,
यहाँ पर आएगा, ये जो टोटल है वो अनमैरिड का टोटल है, ये जो टोटल है वो मैरिड का टोटल है, मतलब यहाँ पर नहीं डायरेक्ट यहाँ पर टोटल आएगा। इसका टोटल कितना आएगा, 549, 549, 549 टोटल आएगा, राइट। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन, तो अब हमारा ध्यान इधर आ जाना चाहिए मैरिड वुमन में, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया, मतलब ये लेबर एरिया की मैरिड वुमन के बारे में बात कर रहे हैं। 250 हेड एक्सपीरियंस, मतलब ये एक्सपीरियंस वाली वुमन कितनी है, 250 हेड एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 250 एक्सपीरियंस। एंड 93 वेर इन एक्सपीरियंस, तो 93 जो है वो इन एक्सपीरियंस है। मैं फिर से रीड करता हूँ, राइट। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन, तो हमको कहाँ चले जाना है, मैरिड वुमन में चले जाना है, राइट। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन 250 हेड एक्सपीरियंस, मतलब 250 हेड एक्सपीरियंस एंड 93 वेर इन एक्सपीरियंस, तो 93 कैसी वुमन है, इन एक्सपीरियंस वुमन है, राइट। अब देखिए आगे इसका हम यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं, राइट, बाद में लिखेंगे। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया, अब देखिए अदर एरिया की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इधर आ जाना चाहिए, अदर एरिया वेर 87 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। अब किसकी बात की है, फिर से हम रीड करेंगे। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया, राइट, अदर एरिया में एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन कितनी है, 400 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स समझ में आती है बात, फिर से हम रीड करते हैं। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया 250 हैड एक्सपीरियंस एंड 93 वेयर इन एक्सपीरियंस, राइट, ये हमने लिख दिया है। एंड द नंबर ऑफ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया वेयर 87 एंड 400 रिस्पेक्टिवली, तो ये बात आउट ऑफ मैरिड वुमन की कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ मैरिड वुमन में अदर एरिया में 87 है एंड इन एक्सपीरियंस जो है वो 400 है। फ्रेंड समझ में आई बात, ये जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस वो हमको साथ में रीड करना है, राइट। द टोटल नंबर ऑफ इन एक्सपीरियंस वुमन वेयर वॉज 1336, 1336 इन एक्सपीरियंस वुमन, टोटल इन एक्सपीरियंस वुमन वेयर 1336, तो हम लिख देते हैं 1336। फ्रेंड समझ में आती है बात, 1336। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड आउट ऑफ देम, मतलब इसमें से आउट ऑफ देम 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया, और उसमें से 136 वेयर फ्रॉम लेबर एरिया। अब लेबर एरिया कहाँ पर है, ये रहा, इसमें से लेबर एरिया में कितनी वुमन है, 136। ये किसकी बात कर रहे हैं, द टोटल इन एक्सपीरियंस वुमन और अनएक्सपीरियंस वुमन की बात कर रहे हैं, मतलब अनएक्सपीरियंस वुमन टोटल 1336 है और उसमें से लेबर एरिया में कितनी रहती है वुमन, 136, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 136, राइट। ओके, आउट ऑफ टोटल वुमन मीन्स ये हुई, राइट, 1020 वेर अनमैरिड, उसमें से अनमैरिड ये रही, टोटल अनमैरिड वुमन की बात कर रहे हैं, राइट, 1020 अनमैरिड है। अमोंग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम लेबर एरिया, इसमें से नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम लेबर एरिया की एक्सपीरियंस वुमन
Among them, the number of experienced women from labor area and from other area were 163 and 14. 163 and 14. मतलब इसमें से एक्सपीरियंस वुमन और इन लेबर एरिया एंड अदर एरिया वेर रिस्पेक्टिवली 163 एंड 14. फ्रेंड्स मैं फिर से रीड करता हूँ ये पूरा सेंटेंस. देखिए, आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेर अनमेरिड. 1020 वेर अनमेरिड. ये अनमेरिड है, राइट. एमोंग देम, मतलब इसमें से द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड वुमन, हमको कहां पर देखना है, ये अनमेरिड वुमन है, ये अनमेरिड वुमन है, उसमें से एक्सपीरियंस वुमन कितनी है उसके बारे में बताएं. एक्सपीरियंस वुमेन फ्रॉम लेबर एरिया, फ्रॉम विच एरिया, लेबर एरिया मीन्स ये इंटरसेक्शन यहां पर होता है 163. एंड फ्रॉम अदर एरिया, अदर एरिया में 14 है रिस्पेक्टिवली. प्रेजेंट दिस डेटा इन टेबुलेशन फॉर्म. अब देखिए, हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हर एक इन्फॉर्मेशन हमने पुट ऑन कर दी. अब जिस जिसका हम टोटल कर सकते हैं, डिडक्शन कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं. देखिए, अब पहले हमको इजीली ये मिल जाता है, ये प्लस ये हम करेंगे तो क्या होगा, 343. इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे हम, राइट. आप दूसरे कलर की पेन से भी लिख सकते हैं. सपोज मान लो ये आप ब्लू पेन से लिखते हो तो ये ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो आप, राइट. उसके बाद हमको ये प्लस ये मिलेगा, इसका टोटल आ जाएगा 487, राइट. 487. अब देखिए, ये हर एक का टोटल हमको यहाँ पर मिल जाएगा. चलो टोटल कर देते हैं. यहाँ पर क्या आ गया, 337. 337 इधर 493. इधर आएगा 830. 830 आ गया. 177. 177 आ गया, राइट. अब देखिए, ये माइनस ये करेंगे तो हमको इधर मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द टोटल, ये एक्सपीरियंस पर्सन का है, तो इधर हमको मिल जाएगा दिस माइनस दिस, राइट. कितना होगा, 843 आएगा, राइट. अब देखिए, पूरा ब्लैंक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो ये वैल्यू, इस ये दोनों में से कोई एक वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओके, अब ये इजीली हो सकता है, हम यहाँ पर करते हैं. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. चलो ले लेते हैं ये दोनों वैल्यू, राइट. इधर क्या आएगा, 1301. इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1200. अब देखिए, आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. चलो पुट ऑन कर देते हैं, 413. इसमें से ये माइनस करोगे तो 413. इसमें से ये माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, 101. और अब इसका टोटल आ जाएगा, क्या टोटल होगा, 514. अब देखिए फ्रेंड, ये एक्सपीरियंस्ड वीमेन है, ये अनएक्सपीरियंस्ड वीमेन है, राइट. ये अनएक्सपीरियंस्ड वीमेन जो है उसका टोटल कितना है, इतना है, राइट. तो ये अनएक्सपीरियंस्ड मैरिड वुमन में से अनएक्सपीरियंस्ड वुमन हम बात करेंगे, टोटल अनएक्सपीरियंस, ये टोटल अनएक्सपीरियंस्ड वुमन है, राइट. समझ में आती है बात, टोटल इनएक्सपीरियंस्ड वुमन है, टोटल इनएक्सपीरियंस्ड वुमन हम माइनस करेंगे इसमें से तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट. चलो अपन ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये अनएक्सपीरियंस वुमन है 136 एंड इसमें से 93 हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 43 आएगा, राइट. सेम ऐसे ही उसके नीचे देखिए, ये 1200 है, ये 400 है, 1200 में से 400 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 800 आएगा, राइट. अब ये प्लस ये कर देंगे तो हमको ये मिलेगी, ये प्लस ये करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, राइट. ये दोनों का प्लस करते हैं, क्या वैल्यू आते हैं,
206 दिस प्लस दिस क्या वैल्यू आती है 814। फ्रेंड ऐसे ही आप टेबल कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड्स काफ़ी इजी है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, राइट। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको ये पॉइंट काफ़ी इजी लगेगा। एग्ज़ाम में एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो इसका आता ही है, राइट। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं कमेंट करिए, कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो मुझे, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।